आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल की नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑन कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरतमंद टॉपिक लेकर आया हूँ। यानी कि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि वो उनका बैकग्राउंड इमेज, यानी कि जो भी फ़ोटो होती है उसका बैकग्राउंड की इमेज कैसे हटाए और वो इमेज को कहीं पे भी आसानी से कैसे इस्तेमाल कर सके। तो आप मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखिए, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। आप मेरे पूरे स्टेप फॉलो कीजिए तभी आप कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको करना है कि आपको पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाके आपको बैकग्राउंड इरेजर सर्च करना है। आपको बैकग्राउंड इरेजर सर्च करने के बाद में इतने सारे इरेजर आएंगे, तो आप इतना सब छोड़ दीजिए, ये एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसे ओपन कर बताऊँगा कि कितने आसानी से हम इसे इरेज कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसकी जो फ़ोटो है, हम कौन सी फ़ोटो को इरेज करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये जो फ़ोटो दिख रही है आपको, ये फ़ोटो में जो लेडी है, ये मैंने फ़ोटो निकाली है कहीं से। तो मैं इस फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है, जितना भी कलर है, वो आसानी से हटा दूंगा और जो फ़ोटो है लेडी की, वो ओनली उतना ही दिखाई देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इरेजर में जाते हैं हम, जो हमने इरेजर डाउनलोड किया है। यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको इरेजर का, तो इरेजर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे अपने गैलरीज के फ़ोटोज़ बताएगा, तो हम ये फ़ोटो लेते हैं जिसको इरेज करना चाहते हैं। और नीचे रेड एरो नज़र आ रहा है, वो एरो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में वो बताएगा कि आपको इतनी चाहिए, या आप क्रॉप भी कर सकते हैं, उसको छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो नहीं, हमें इतनी ही चाहिए। उसके बाद में हम ऊपर राइट करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो नीचे ऑप्शंस देखिए, आप और से नीचे देखिए, ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, इरेजर, ऑटो, लैसो, रीस्टोर, जूम, रीसेट। तो हम ऑटो पे क्लिक कीजिए, इरेजर पे मत कीजिए। यहाँ पे ऑटो नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में ये मार्क को लेके यहाँ पे जो कलर है, यहाँ जो बैकग्राउंड है, उस पर रखिए, वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। ऐसे ही करके आप यहाँ पे नीचे कीजिए, हट जाएगा। और वैसे ही पूरा आप खाली क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक इरेज हो रहा है। देखिए आप, पूरा कलर हट रहा है, आपको दिख रहा है। तो ऐसे ही करके पूरा इरेज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैंने पूरा इरेज कर दिया है, यहाँ पे भी इरेज कर दिया है। अब जो जो बारीक बारीक जो लाइन से जो जो टिपके है, वो आप इरेजर, यहाँ पे ऑटो से हट के इरेजर पे क्लिक करके आप ऐसे कट कर इरेजर से इरेज कर सकते हैं। अगर आपकी मतलब अगर आप रॉन्ग करते, यानी कि जो अब देखिए मैंने पूरा फेस को इरेज कर दिया है, तो मेरे से गलती हो गई। तो आप यहाँ पे ऊपर देखिए, एरो जा रहा लेफ्ट साइड का, उस पर क्लिक करके आप वापस वही ला सकते हैं। तो अब मैं जो जो टिपके थे उसे इरेज कर देता हूँ। देखिए इसे इरेज करके यहाँ पे देखिए, हमें खाली फ़ोटो मिल चुकी है। इस उसके बाद में हम यहाँ पे ऊपर राइट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल भी फ़ोटो इरेज हो चुकी है, जो भी बैकग्राउंड था बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो आपकी भी कोई भी फ़ोटो है, तो आप आसानी से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं इसी तरह। और राइट पे क्लिक कीजिए। मैं अब आपको फ़ोटो बताता हूँ ये कैसे दिख रही है। यहाँ पे देखिए आप, ये फ़ोटो बिल्कुल इस तरह दिख रहा है, यानी कि आप ये फ़ोटो को कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसमें ऐसी दिख रही है फ़ोटो, मगर आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इरेज हो गया, यानी कि बैकग्राउंड इरेज हो गया, जो बैकग्राउंड था वो इरेज हो गया। अब ये फ़ोटो को आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये इरेज का इरेज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।